हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑल टाइप वीडियोस पे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में घंटी का ऑप्शन होगा, इसे दबाना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की जो वीडियो, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है आज शाम को 6:15 पे, जो आर्ट्स का रिजल्ट है वो आप कैसे चेक करोगे, और जो पहले वाले रिजल्ट जो कि साइंस और कॉमर्स के हैं वो आप कैसे चेक कर सकते हो, और आने वाले दिनों में जो 10th का और 8th के रिजल्ट आएंगे वो भी आप कैसे चेक कर पाओगे। तो उसके लिए आज मैंने वीडियो बनाई है, तो आप वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखिए और वीडियो को इन्जॉय कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपना कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन कर दीजिए, जैसे कि गूगल क्रोम है, तो मैंने यहाँ पे इसको ओपन कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है RBSE, जो कि बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आप ओपन कर दीजिए। उसके बाद जो बोर्ड की रिजल्ट है, रिजल्ट की जो न्यूज़ है वो आपको सबसे पहले यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद नीचे जो लिंक है बोर्ड की, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे जो ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको रिजल्ट 2018 पे क्लिक करना है। तो जैसे मैंने रिजल्ट 2018 पे क्लिक किया, उसके बाद आपको यहाँ पे साइंस और कॉमर्स के रिजल्ट जो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप साइंस या कॉमर्स का 2018 का रिजल्ट देखना चाहते हो वो भी यहाँ पे देख सकते हो, जो कि 23 मई को रिजल्ट अनाउंस हो चुका था। आज ये जो 1 मई है, आज आने वाला है आर्ट्स का रिजल्ट, शाम को 6:15 पे आने वाला है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जो 6:15 पे जो बाद में जो यहाँ पे आर्ट्स का रिजल्ट है वो भी इस लिस्ट में शामिल हो जाएगा, और आर्ट्स का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा इसके लिए। तो अगर आप रिजल्ट चेक करने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपना जो सब्जेक्ट है साइंस कॉमर्स आर्ट्स जो भी यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। मैं यहाँ पे कॉमर्स सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे मांग रहा है एंट्री और रोल नंबर, तो आप यहाँ पे आपके जो भी रोल नंबर है यहाँ पे टाइप कर दीजिए और सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपका जो रिजल्ट है ओपन हो जाएगा, उसके बाद आप अपना रिजल्ट देख पाओगे। तो अगर आप रिजल्ट अभी ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो 6:15 पे बाद अभी मतलब ट्राई कर रहे हो, अगर सर्वर प्रॉब्लम है, कुछ सर्वर नहीं चल रहा है, अगर वेबसाइट पे रिजल्ट नहीं शो हो रहा है, तो उसके लिए मैं आपको दूसरी वेबसाइट है उसका लिंक बता देता हूँ। उस पर आप चेक कर सकते हो, जो कि है इंडिया रिजल्ट। इंडिया रिजल्ट पर आप क्लिक करोगे, वो भी रिजल्ट की वेबसाइट है, उस पर भी रिजल्ट बताएगा। जो इंडिया रिजल्ट है इस पर भी रिजल्ट बताएगा। उसके लिए बस इंडिया रिजल्ट सर्च कर दीजिए। उसके बाद जो इंडिया रिजल्ट की वेबसाइट है इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जो मैं यहाँ पे मोबाइल की वेबसाइट है m.indiaresult, उसको क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप इंडिया रिजल्ट जो है मोबाइल वेबसाइट है m.indiaresult, उसको क्लिक कर दीजिए। तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना स्टेट जो राज्य है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे राजस्थान है मेरा, तो राजस्थान सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद राजस्थान के जो भी यूनिवर्सिटीज़ के जो और जो बोर्ड के रिजल्ट होंगे यहाँ पे सब आ जाएंगे, जैसे बोर्ड है राजस्थान बोर्ड है, जो उसके बाद जो राजस्थान स्टेट ओपन है, उसके बाद CBSE सेंट्रल बोर्ड है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा है, जो सारे हैं सारे यहाँ पे आ रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो राजस्थान की अजमेर वाली बोर्ड है उसका चाहिए, तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद बस कुछ नहीं, आपको यहाँ पे बता रहा है एक तो साइंस का अवेलेबल है, और यहाँ पे जो कॉमर्स का है वो भी अवेलेबल है, वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, और जो आज शाम को आएगा आर्ट्स का वो भी यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा शाम को 6:15 के बाद। उसके बाद आप अगर 10th का कोशिश कर रहे हो, 10th का कुछ दिनों बाद आएगा, उसको वो भी यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप किसी का भी चेक करना चाहो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो अपना सब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके जैसे कि कॉमर्स या आर्ट्स साइंस जो भी है, तो यहाँ पे अभी तो साइंस का और कॉमर्स का बता रहे हैं, तो मैं किसी पे भी क्लिक कर देता हूँ। जैसे कि मैंने किया साइंस पे, तो साइंस पे किया, तो इस पर आपको सबसे अच्छा जो बेनिफिट है वो मिल जाता है। यहाँ पे आपको रोल नंबर और बाय नेम, अगर रोल नंबर से करना चाहो रिजल्ट चेक वो भी कर सकते हो। अगर आपके पास रोल नंबर नहीं है किसी का, और अगर नाम सर्च करके करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे वो इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट है। तो अगर आप इसमें रोल नंबर अगर आपके पास है तो कर सकते हो, अगर नहीं है तो नाम से भी कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और घंटी का ऑप्शन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए खत्म करते हैं। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।